दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। फांसी होने के बाद दोषी का भूत क्यों सताता है? हमारे भारत में सबसे खतरनाक सजा फांसी को ही माना जाता है। बीते सालों में बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, फिर चाहे कसाब हो या फिर चाहे रेप केस वाले मुजरिम हो। अब तो सुनने में आ रहा है कि लखनऊ की लड़की जिसने कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा है, कहीं उसको भी कुछ। लेकिन दोस्तों फांसी का नाम सुनते ही सबसे पहले मौत सामने दिखाई देने लगती है, और शायद ही कभी कोई अपने आप को फांसी पर लटक कर मरता हुआ देखना चाहेगा। पर कुछ लोग जुर्म के अंधेरे में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उनका अंत फांसी से ही तय होता है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कैसे होती है फांसी, कैसा होता है फांसी घर, किस तरह अपराधियों को फांसी लगाई जाती है, किस तरह जल्लाद अपराधियों को मौत के घाट उतारता है, और फांसी की तैयारी करने वाले टीम मेंबर्स की क्या मनोदशा होती होगी, और किस तरह वो खुद को मानसिक तौर पर तैयार करते होंगे कि आज उन्हें एक इंसान की पूरी जिंदगी खत्म करनी है। और तो और फांसी घर के पहरेदार ऐसा क्यों मानते हैं कि रात के समय में फांसी पर लटकाए गए शख्स का भूत ने थप्पड़ मारता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने आया हूँ, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जल्लाद बांधता है आरोपी को। दोस्तों फांसी के समय में आरोपी को पीछे करके उसी समय बांध दिया जाता है जब उसे काल कोठरी से निकालकर फांसी घर लेकर जाया जाता है। फांसी की सजा पाने वाले इंसान के पैरों के नीचे सफेद घेरा खींचा जाता है ताकि काल कोठरी से लाए इंसान को उसी सफेद घेरे के अंदर दोनों पांव रख कर खड़ा कर दिया जा सके। इस निशान के ठीक ऊपर ही वो रस्सी का एक फंदा लटक रहा होता है, जिसे अपराधी के खड़े होते ही बिना वक्त गंवाए उसके गले में लटका दिया जाता है। ये काम जल्लाद का होता है। पांव बांधते समय जल्लाद इस बात का बहुत ध्यान देता है कि आरोपी कहीं अपने पैरों से जल्लाद को मार न दे। दोषी का मुंह क्यों ढका जाता है? दोस्तों जब अपराधी को काल कोठरी से फांसी घर लाया जाता है तो उससे पहले ही दोषी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि वो जल्लाद और फांसी को देखकर घबराए ना, क्योंकि अक्सर लोग जब अपनी मौत को नजदीक देख लेते हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। अपराधी के साथ ऐसा ना हो इसलिए उसके चेहरे को पहले ही काले कपड़े से ढक दिया जाता है। फांसी की सजा मिलने से पहले अगर कोई अपनी वसीयत लिखवाने की इच्छा जाहिर करे तो वसीयत लिखने की जिम्मेदारी फांसी घर में मौजूद मजिस्ट्रेट की होती है। फांसी का सामान। दोस्तों अगर हम फांसी के सामान की बात करें तो खटका, रुमाल, रस्सी, सफेद घेरा और रेत की बोरी का फांसी के वक्त सबसे अहम रोल होता है। असल में दोस्तों जल्लाद अपनी भाषा में फांसी देने वाले लीवर को खटका कहता है। जल्लाद की लीवर खींचते ही फांसी की सजा पाए इंसान के नीचे मौजूद तख्ता दो हिस्सों में खुलकर कुएं के अंदर जाकर खुल जाता है, और इसके साथ एक मामूली सी आवाज के साथ इंसान का शरीर कुएं के अंदर गर्दन में मौजूद फांसी के फंदे के सहारे झूलने लगता है। फांसी के वक्त जो रुमाल इस्तेमाल किए जाते हैं उनका रंग काला, लाल या फिर सफेद हो सकता है। एक रुमाल फांसी की सजा पाए इंसान के चेहरे को ढकने के काम में आती है, तो वहीं दूसरा रुमाल जेलर जल्लाद को लीवर खींचने के लिए इशारे के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर जेलर जल्लाद को लीवर खींचने के लिए बोलेगा तो फांसी मिलने वाले इंसान को पता चल जाएगा और इसकी वजह से वो घबरा जाता है। ऐसा ना हो इसलिए केवल रुमाल दिखाकर जल्लाद को इशारा किया जाता है कि अब वो लीवर खींच सकता है। फांसी घर में रस्सियों की तख्त भी तीन होती है। दो रस्सियों से एक ही तख्त पर दो अलग अलग फांसी के फंदे बनाए जाते हैं ताकि एक रस्सी के काम न करने पर दूसरी रस्सी का इस्तेमाल किया जा सके। मौत की सजा पाया शख्स नहीं देख पाता जल्लाद को। अब दोस्तों जल्लाद के बारे में कोई कुछ भी क्यों ना सोचे, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह ही आम इंसान होता है जिसका काम ही जुर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मौत के घाट उतारना होता है, और यही वजह है कि कोई भी फांसी देने वाले जल्लाद को देख नहीं पाता। फांसी तख्ते की लकड़ी की मिलती है मुंह मांगी कीमत। दोस्तों आपको बता दें, जो फांसी का तख्त होता है उसकी लकड़ी की कीमत जेल के बाहर मुंह मांगी मिलती है। ये बात जब धीरे धीरे तिहाड़ जेल के आला अफसरों के कानों तक पहुंची तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके जहन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं चंद पैसों के लालच में जेल के कर्मी फांसी तख्ते की लकड़ी की कालाबाजारी में न पड़ जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए इस समस्या से निपटने का एक बेजोड़ समाधान खोज लिया गया। जेल प्रशासन ने रातों रात लकड़ी के तख्तों को हटवाकर लोहे के भारी भरकम फट्टे लगवा दिए। ये काम लोक निर्माण विभाग ने इसलिए किया
क्योंकि फांसी घर के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। रात के समय में कौन फांसी घर के पहरेदारों को मारता है थप्पड़? अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि फांसी घर जैसे वीरान और डरावनी जगह की पहरेदारी करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। कहा जाता है कि कई साल पहले तिहाड़ जेल के एक पहरेदार की रात के वक्त फांसी घर की रखवाली की ड्यूटी लगी थी। जब वो अकेले ही पहरेदारी की ड्यूटी कर रहा था, उसी वक्त पहरेदार को नींद की झपकी आ गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने थप्पड़ मार कर उठाया है। अब जैसे उसे एहसास हुआ, वो पसीने से तरबतर हो गया। और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार इस तरह की चीजें सुनने को मिली हैं। लेकिन जेल के अधिकारी इन बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं और पूरी तरह से इन चीजों को नजरअंदाज करना ही अपने लिए सही समझते हैं। कुआं जिसमें लटकती है लाश। दोस्तों, फांसी घर किसी भी सेंट्रल जेल के अंदर एक अलग कोने में होता है, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे आम कैदियों की नजर में ना आए। फांसी घर की जानकारी इस हद तक गुप्त रखी जाती है कि तमाम कैदी अपनी सजा काटकर बाहर में निकल आते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके जेल में फांसी घर कहाँ है। जेल के कोने में बने फांसी घर में एक सीमेंट का कुआं होता है। कुएं में उतरने के लिए 3 से 4 सीढ़ियां होती है। गोलाई में बने कुएं के अंदर मुश्किल 1 से 1.5 मीटर तक की ही जगह होती है। कुएं के अंदर 2 से 3 आदमी एक साथ खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, कुएं के ऊपर गोलाकार रूप में काठ यानी लकड़ी का तख्ता ढका होता है, जो कि बीच में 2 हिस्सों का दिखाई देता है। लेकिन तख्ते को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो देखने में बिल्कुल गोलाकार लगता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है फांसी से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।